बस और वैन चालकों की व्यथा। संत सेवालाल न्यूज नेटवर्क के प्रतिनिधि प्रणव सातोकर का नागपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर और सारे देश में कोविड के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पर एक तबका ऐसा है जिसको इस स्कूल बंद होने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप और हम भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो है स्कूल बस और वैन चालक, जिनकी रोजी रोटी स्कूल जाने वाले बच्चों पर निर्भर थी, जो अब रोड पर आ गए हैं। स्कूल बंद होने से कमाई का साधन छीन गया है। पिछले 15 महीनों से गाड़ियां जैसी की तैसी खड़ी है, पर इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ रही है। कुछ वैन चालक सब्जी बेचकर मजदूरी या कहीं होटल में नौकरी करके अपना घर चला रहे हैं, फिर भी गुजरा होना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, गाड़ी के EMI, बाकी खर्चे भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। पर ऐसे में अगर किसी चालक की कोरोना के कारण मौत हो जाती है तो फिर भगवान ही मालिक है। नागपुर में कुछ ऐसे ही हादसों से वैन चालक के कुछ परिवार गुजर रहे हैं, जिनके अपने और घर के कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अब उनका भविष्य क्या होगा, किसे पता? क्या सरकार कुछ मदद करेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे ही कुछ परिवारों से और उनके अपनों से बात की हमारे रिपोर्टर प्रणव सातोकर ने, और जाना क्या है उनकी परेशानियां और सरकार से क्या है उनकी मांगे। रिपोर्ट बाय प्रणव सातोकर फ्रॉम नागपुर। प्रणव सातोकर नागपुर से। कुछ दिन पहले हमने स्कूल बस और ऑटो रिक्शा चालक जो है, जो स्कूल से निगड़ित है, जो स्कूल में जो बच्चों को पहुंचाने का काम करते हैं, उनके आंदोलन के बारे में हमने कवर किया था। उनकी जो मांगे थी, उनकी जो समस्याएं थी, ये हमने आपको दिखाई थी। अब कुछ उनके परिवार से बात करते हैं कि जिनके जो बस ड्राइवर थे, जो स्कूल चालक और वैन चालक थे, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया। तो उनके परिवार से हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस दुख की घड़ी से वो गुजर रहे हैं, और घर का एक आदमी, कमाता हुआ आदमी, जिस उनका कोरोना से डेथ हो गया, तो वो क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनके परिवार से। उर्मिला विनेश, घर में किसका डेथ हुआ है? हमारे मिस्टर का। क्या काम था उनका? ड्राइवर थे। और कितने साल से ये व्यवसाय था उनका? उनका हो क्या, हमारे 25 साल। तो क्या समस्या से आप गुजर रही है, क्या हो रहा है? मतलब घर का एक आदमी चला गया, तो पैसे का तो प्रॉब्लम रहता ही है, बाकी हाँ। क्या चीज़ें आपको, क्या तकलीफ हो रही है? कुछ भी नहीं है, अभी उन्होंने तो छोड़ के गए। कुछ भी नहीं है। आपको बाल बच्चे कितने हैं? मेरे को एक लड़का एक लड़की है। एजुकेशन चालू है उनका? हाँ, पढ़ाई चालू है दोनों की। अब हम जानते हैं उनके बेटे से कि क्या उनका ये हो रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? ऋतिक विनय साहू। ऋतिक विनय साहू, क्या कर रहे हो आप? अभी तो एजुकेशन ही चालू है। तो क्या समस्याओं से आप गुजरे पापा का डेथ के बाद, क्या समस्या आ रही है घर में, कुछ बता सकेंगे आप? वही, अभी कोई है नहीं कमाने वाला। नमस्कार, आज हम खड़े हैं नागपुर के गोधनी इलाके में, और हम बात करते हैं कि कोरोना में जो टैक्सी चालक ऑटो चालक थे, उनकी जो डेथ हुई है, उनके परिवार से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है और वो क्या समस्याओं से गुजर रहे हैं। दीदी आपका नाम? सना सैयद। तो आपके घर में किसका डेथ हुआ? मेरे हस्बैंड का, सैयद फारूक। हाँ, कोरोना के कारण हुआ है उनका डेथ, फेब में। तो अभी तो फिलहाल, पहली बात तो वो वैन, हमारी पलोटी में वैन्स चलती थी, तो वो तो एक साल से पूरा ठप हो गया है। उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, लेकिन मेरी भी सैलरी 25% मिल रही है मेरे को, तो उससे भी मेरा कुछ चल नहीं रहा इतना। अभी तो मेरे मम्मी पापा है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी कितने दिन करेंगे। एक मुझे, मेरे घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि जैसे बाकी लोगों को आप कर रहे हैं सपोर्ट, तो थोड़ा मुझे भी एक सपोर्ट हो आपकी तरफ से, मुझे भी हेल्प मिले। तो सरकार से इनका यही कहना है कि जो बाकी तबकों को सरकार सपोर्ट कर रही है, जैसे उन्हें आर्थिक पैकेज मिल रहा है या उनकी EMIs कुछ ड्यूज हो गई, तो उन पर पेनल्टी ना लगाए, ये सब इनकी मांगे हैं। छोटी छोटी मांगे हैं, इनका कोई करोड़ों का लोन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये चाहते हैं कि ये अपने पैर पर खड़े हो और अपना जो आने वाला फ्यूचर है वो अच्छे तरह ये लोग अपना बिता सके। रिश्तेदारों से कि जिन्होंने अपनों को खोया है, तो हम बात करते हैं उनसे। सर आपका नाम बताइए। नंदू कावड़े। और कोरोना के कारण सर क्या क्षति हुई? अपने अपने दोस्त को ही उनका डेथ हो गया है, वो भी चालक थे, क्या हो गया सर? हाँ, एक कोरोना काल में मेरा दोस्त है फारूक सैयद और एक दोस्त है विनय शाहू, ये दोनों की डेथ हो गई। डेथ होने से हमारा जो स्कूल का बिजनेस था वो अभी साल भरे से बंद है, 1.5 साल से। तो अभी इनको कोई पालन पोषण वाला है नहीं, ये लोग
मेन जिम्मेदार लोग थे, इनकी डेथ हो गई। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई इनको कुछ हेल्प करके, गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे और कुछ मिले इनको, जो भी गवर्नमेंट निधि से जो दे सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो इन लोगों के लिए करे, तो आर्थिक मदद हो सकती है इनको। सर ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे पेट पाला, मतलब सबको पता है कि स्कूल बंद थी, आपका पूरा व्यवसाय बंद था, तो लोगों ने क्या क्या काम किया और कैसे कैसे अपना पेट पाला, ये हमें बताइए थोड़ा सा। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से कुछ लोगों ने सब्जी भाजी बेचा गाड़ी में, कुछ लोगों ने कपड़े का व्यापार किया, ऐसा जो आता है रेडीमेड 40 रुपये 30 रुपये बेचने वाला रोडों पर, कुछ लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ होटल में नौकरी तकायद कर रहे हैं, ऐसी मुसीबत है क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो भी सोच के पेट पालना है तो कुछ कर रहे हैं, अब जो मिल जा रहा उसमें कैसा तो भी निकाल रहे हैं अपना कुछ खर्चे निकल रहे हैं, मतलब बच्चों की पढ़ाई वगैरह खर्चे तो बिल्कुल नहीं निकल रहे सर, और पढ़ाई में तो पूरा लॉस है अभी, लेकिन वही उधार वगैरह करके या लोगों का कर्जा पानी करके भी निपटारा कर रहे हैं खर्चा, और इंस्टॉलमेंट वगैरह तो सब थक है, पूरा थकित में है इंस्टॉलमेंट, अभी कुछ भी नहीं। क्या लगता है सरकार से, क्या मतलब मांगे क्या है आपकी, एक बताइए कि क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से यही है कि कुछ आर्थिक मदद करे, और यूनियन के हिसाब से जैसे जो गाड़ियाँ है इनका कुछ टैक्स वगैरह माफ़ करते हैं गाड़ी के हिसाब से ले, तो जैसा रेगुलाइज में जो जब चालू हो जाएगा स्कूल, तो तब से यदि रेगुलाइज में चालू करे वो लोग इंश्योरेंस टैक्स, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बैंक के जो हफ्ते है थकित में उसकी राहत दे करके जो स्टार्ट होंगी स्कूल, उस दिन से वो लोग हम लोग इंस्टॉलमेंट भरना चालू कर देंगे। चलिए और बात करते हैं कुछ लोगों से। सर अपना नाम बताइए। महेश बिमरा बुरबुरे। सर आप भी संस्था चालक है, मतलब वैन चालक? अच्छा, तो सर बताइए। और रोडों पे आ चुके हैं एक्चुअल, और हफ्ते ऐसी हो गए कि बैंकों के फ़ोन आते हैं और धमकियाँ देते हैं, इसी कारण हमारा त्रस्त हो गया है। अभी कैसे हमारा बच्चों का भी पालन पोषण नहीं हो कर पा रहे हम, अब कुछ काम धंधे पे निकले हैं तो उसमें से कई 200 रुपये का रोज का मिलता है, उसमें भी हमारी कुछ तकलीफें बहुत ज़्यादा हो जाती है कि घर चला नहीं पा रहे हम, और इलेक्ट्रिक का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसी कारण हम इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं भर पा रहे हो। आप इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट से कुछ राहत मिल जाए हमको, और हफ्ते में फर्द आगे 15 महीने आगे बढ़ा दीजिए, यही मुझे गवर्नमेंट से। देखा आपने सबकी अलग अलग तकलीफें हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों का बिजनेस बंद हो गए हैं, साथ में जो इनका जो था पूरे स्कूल पे लोग निर्भर थे, अभी स्कूल ही बंद है तो टैक्सी चालकों का या स्कूल बस वाहन चालकों का धंधा बंद हो गया है। तो आइए हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना सही हो जाए और इनका जो व्यवसाय है ये फिर से चालू हो जाए, यही हम आशा करते हैं। गवर्नमेंट को भी बहुत सारे अपने स्कूल वैन चालकों ने निवेदन दिए, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कुछ भी उसका रिप्लाई नहीं दिया है, और स्कूल वान लोगों को अभी रोजी रोटी के लिए इतने वांदे हो गए कि उनके पास काम धंधे कुछ भी नहीं है, कोई लोग ऐसे रोज मजूरी के काम कर रहे हैं, किसी के पास ऐसे वैन वाले के जो ज़्यादा 55-50 साल वाले भी लोग हैं जिनसे कुछ भी रोजी मजूरी होती नहीं है, उनको हम लोग एक स्कूल वैन के हिसाब से उनको परिवार को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि खाने पीने में, और सरकार ने उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, यही है सबका कहना है कि सरकार कुछ मदद करे, सरकार कुछ हमारे बारे में सोचे, तो आशा करते हैं कि सरकार इनके बारे में सोचेंगी और इनकी जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी सुलझाने का काम सरकार करेगी। साहब से हमने मुलाकात की थी, उनसे चर्चा की थी, तो वो चर्चा में साहब बोल रहे थे कि 1.5 करोड़ रुपया हम हर महीना इस सार्वस जो वाहक है जो संग जो उसका जो प्रबंधक है उसको हम देते हैं, खड़ी गाड़ियों का वो किराया दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हमने बोला था कि आप खड़ी गाड़ियों का किराया दे रहे हैं। अरे साहब आप हमको किराया मत दीजिए, हमको काम दीजिए, हम सरकार को पैसे देंगे। उसके ऊपर भी उनकी इतनी उदासीनता है कि नहीं हमारा ये यंत्रणा ही ऐसा है, और इसके ऊपर यानी उनका उन्होंने पूरी तरह से हाथ झटक दिया जैसा कर दिया, यानी इतनी सोच विचार करने वाली बात है कि हम बोलते हैं गवर्नमेंट को हम पैसा देंगे, हमको पैसा मत दीजिए, हम गाड़ी चलाएंगे, हम उसमें आने वाले इनकम में से हम उनको निकाल कर दे देंगे। तो सर अभी ये बताइए आगे की रणनीति क्या होगी, संगठना क्या आगे का कदम उठाने वाली है? हम अभी हमारी पूरी कोशिश है कि वार्तालाप करके इस विषय पर चर्चा करके सोल्यूशन निकाला जाए, यदि इसके ऊपर भी यदि सरकार ध्यान नहीं बटाएगी तो अननेसेसरी, हमारी इच्छा नहीं है रास्ते पर आने की, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हो गए, पेट का सवाल है, गाड़ियों का सवाल है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट अभी रुकी हुई है, गाड़ी के इंस्टॉलमेंट के फाइनेंसर फ़ोन कर रहा है,
बार बार फ़ोन करता है, धमकियाँ देता है, गाड़ी उठाने के लिए बात करता है, क्या करेगा बंदा? आज जिसकी एक गाड़ी है वो एक गाड़ी के भरोसे जो चला रहा था, आज उसका व्यवसाय बंद है, वो अनस्किल्ड। देखिए, ड्राइवर की लाइन में कोई स्किल्ड पर्सन नहीं होता, अनस्किल्ड आदमी होता है। जिसको बाकी धंधे नहीं होते ना, वो ड्राइवरी सीखता है, और वो ड्राइवरी आज वो ड्राइवर उसकी चली नहीं पा रही, तो काम क्या करेगा? चोरिया चकारी करेगा, किसी के डाके डालेगा? तो इसमें भी तो मतलब आप मतलब कैसा है समाज का घटक कैसा है, अने समाज की संगठना मतलब जो अनुशासन वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसकी तरफ सरकार का हमारा यही कहना है कि आप पैसा मत दीजिए, ठीक है आर्थिक स्थिति गवर्नमेंट की भी ख़राब है, हम भी जानते हैं, लेकिन काम तो दीजिए, आपके पास साधन है, आप काम दीजिए। आप उनको जैसा बर्डी से जो भी अपने जैसा कुंडाली जा रही है ऐसे इसमें गाड़ी चलाने की परमिशन दीजिए। हमने अभी नियर अबाउट अभी 8 दिन पहले हमने जिलाधिकारी साहब से हमने चर्चा की, साहब को हमने ये प्रस्ताव उनको भी बताया, वो कहते हैं कि ये परिवहन मंत्री से बात करनी पड़ेगी। अरे सर, हमारा वही कहना है कि आप जिससे बात करनी है बात करिए, सोल्यूशन निकालिए। अब तक आप हम कब तक इस तरीके से रहेंगे? हमारा भी अने कैसा है, फैमिली पूरी हमारी डिपेंड हमारे पे है। आज हमारी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही, फाइनेंसर टच कर रहा है गाड़ियों का। अभी एक ऐसे है, एक गाड़ी रास्ते पर लाने के लिए, यदि स्कूल चालू भी हो जाती है ना, तो एक गाड़ी लाने के लिए 70,000 रुपये उसका खर्चा है आज जेब में। स्किल देखिए, ड्राइवर की लाइन में कोई स्किल्ड पर्सन नहीं होता, अनस्किल्ड आदमी होता है। जिसको बाकी धंधे नहीं होते ना, वो ड्राइवरी सीखता है, और वो ड्राइवरी आज वो ड्राइवर उसकी चली नहीं पा रही, तो काम क्या करेगा? चोरिया चकारी करेगा, किसी के डाके डालेगा? तो इसमें भी तो मतलब आप मतलब कैसा है समाज का घटक कैसा है, अने समाज की संगठना मतलब जो अनुशासन वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसकी तरफ सरकार का हमारा यही कहना है कि आप पैसा मत दीजिए, ठीक है आर्थिक स्थिति गवर्नमेंट की भी ख़राब है, हम भी जानते हैं, लेकिन काम तो दीजिए, आपके पास साधन है, आप काम दीजिए। आप उनको जैसा बर्डी से जो भी अपने जैसा कुंडाली जा रही है ऐसे इसमें गाड़ी चलाने की परमिशन दीजिए। हमने अभी नियर अबाउट अभी 8 दिन पहले हमने जिलाधिकारी साहब से हमने चर्चा की, साहब को हमने ये प्रस्ताव उनको भी बताया, वो कहते हैं कि ये परिवहन मंत्री से बात करनी पड़ेगी। अरे सर, हमारा वही कहना है कि आप जिससे बात करनी है बात करिए, सोल्यूशन निकालिए। अब तक आप हम कब तक इस तरीके से रहेंगे? हमारा भी अने कैसा है, फैमिली पूरी हमारी डिपेंड हमारे पे है। आज हमारी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही, फाइनेंसर टच कर रहा है गाड़ियों का। अभी एक ऐसे है, एक गाड़ी रास्ते पर लाने के लिए, यदि स्कूल चालू भी हो जाती है ना, तो एक गाड़ी लाने के लिए 70,000 रुपये उसका खर्चा है आज जेब में 70 रुपये नहीं है, और गाड़ी निकालने जाएंगे तो 70,000 कहाँ से लाएंगे? कम से कम इस माध्यम से हमारी गाड़ियाँ रेगुलर में रहेगी, चलती रहेगी, जब भी स्कूल चालू होगा हम अपने नेचुरल बिजनेस पे आ जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस विषय पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप भीख मत दीजिए, काम दीजिए गाड़ी वालों को, स्कूल की गाड़ी वालों को काम दीजिए। वो उसके उसमें धमक है, पैसा कमाने की धमक है, मेहनत करने की क्षमता है, वो ज़रूर करेगा और अपना आर्थिक संतुलन बिगड़ा हुआ नियंत्रित कर लेगा। बस यही है, ये यही सरकार से कहना चाहते हैं कि इनके तरफ भी ध्यान दिया जाए, इनकी भी जो समस्या है वो सुनी जाए। इन्होंने हर जगह जाके अपना रोना बताया है, अपने डेपुटेशन दिया है जिलाधिकारी से लेकर हर जगह। बस इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इनको कुछ काम मिले और ये फिर से अपना जीवन अच्छे से बिता पाए। संत सेवालाल न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रणव सातोकर, नागपुर।